छोटी सी उम्र में समय का फेर क्या से क्या नहीं दिखाता। वक्त मासूमियत के पलों को छीन ऐसे जख्म दे जाता है जिसके निशान तो शरीर से चले जाते हैं लेकिन उसके दर्द रहकर मासूम को हमेशा सताते हैं। नन्ही आंखों से कभी ओझल नहीं होती वो तस्वीरें जिन्होंने उसकी जिंदगी को बेरंग बनाया है। जिंदगी की उन्हीं बेरंग तस्वीरों को कोरे पन्नों पर उकेर कर एक मासूम ने अपने साथ हुई हैवानियत के लिए इंसाफ का दरवाजा खोला है। जी हाँ, दिल्ली के एक स्थानीय अदालत ने रेप केस में बच्ची के सबूत के आधार पर दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता ने अदालत में सुनवाई के दौरान पूरे वारदात के दर्द को बयां करता एक स्केच बना दिया। इसे अहम सबूत मानते हुए 2 साल पहले हुई इस वारदात में अदालत ने सजा सुना दी। दोषी पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। 10 वर्षीय पीड़िता कोलकाता की रहने वाली है। वह एक स्कूल में पढ़ रही है। उसकी माँ की मौत हो चुकी है। पिता शराबी है। इसकी वजह से उसकी चाची उसे लेकर दिल्ली आ गई थी। यहाँ रहने के दौरान उसके चाचा अख्तर अहमद ने उसे डरा धमका कर उसके साथ कई बार रेप किया। इस वजह से पीड़िता चाची के घर से भाग गई। इसके बाद पीड़ित बच्चे की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी चाचा को पिछले साल 4 जून को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केस चला। सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दी कि लड़की को सक्षम साक्षी नहीं माना जा सकता। यह केस उस वक्त अप्रत्याशित रूप से बदला जब लड़की ने एक स्केच बनाया। इसे देखकर जज सहित वकील भी दंग रह गए। पीड़िता ने एक सादे कागज पर काले रंग के क्रेयॉन से एक खाली घर का स्केच बनाया। उसमें एक लड़की के हाथ में गुब्बारा लिए थी। उसके पास एक कपड़ा जमीन पर गिरा हुआ था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने इसे लड़की की गवाही मानते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी को 5 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 का जुर्माना लगा दिया। जज ने कहा कि अगर इस स्केच को तथ्य और केस की परिस्थिति मानी जाए, इससे यह पता चलता है कि उसके कपड़े को उतार कर उसके साथ यौन शोषण हुआ है। इसका उसके दिमाग पर असर हुआ है जो कि सबूत के रूप में पेश हुआ है। भले उस शैतान ने सलाखों से बचने के लिए सारे सबूत मिटा दिए हों, लेकिन वो बच्ची के दिमाग से उन बुरी यादों को नहीं मिटा पाया। अपने जहन में बसी उन बुरी तस्वीरों को जब बच्ची ने अदालत के सामने उकेरा तो हर कोई हैरान रह गया। कोर्ट ने भी न्याय करते हुए दरिंदे को 5 साल की सजा सुनाई। देखते रहिए डीबी लाइव।